हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाएं और उस मार्कशीट के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे। सम, मैक्स, मीन, ये सभी फॉर्मूले हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को बता दें कि इस रो कॉलम को कैसे मैनेज करना है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिख रहे हैं और वह क्या हो रहा है, उस सेल के बाहर जा रहा है, तो यहाँ से हम ए को ऊपर क्लिक करके इसकी हम साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को कॉलम की साइज बढ़ानी है तो बढ़ा दिया, रो की साइज बढ़ानी है तो हम रो की साइज भी ऐसे बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। तो देख लो, ये सेल की साइज बढ़ गई। तो ऐसे हम रो एंड कॉलम की साइज बढ़ा करके सेल की साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नेम। सबसे पहले वाले बॉक्स में आ, तो आप कहीं भी आ जाओ, वहाँ पे क्लिक करके लिखो नेम। उससे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुछ एरिया मर्ज कर लेते हैं और वहाँ पे सेलेक्ट करके लिख देते हैं। इतना एरिया सेलेक्ट करो आप लोग। सेलेक्ट करने के बाद ये लिखा है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर आप लोग लिखो मार्क सीट। ठीक है, हमने लिखा मार्क सीट। मार्क सीट लिखने के बाद बाहर क्लिक करो, वापिस इस सेल के अंदर क्लिक करो। अब इसके बाद इसकी जो स्टाइल है, इसकी स्टाइल यहाँ से आप लोग कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लो और इसकी साइज को यहाँ से बड़ी कर दो तो थोड़ा लगे हम अच्छा दिखने में। अब बोल्ड पे क्लिक कर दो, यहाँ से कोई कलर देना है तो वो कलर दे दो, थोड़ा सा अच्छा हमें लगेगा। ठीक है, मार्क सीट। अब हम यहाँ से सीखेंगे मार्क सीट, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए, तो सबसे पहले वाले सेल के अंदर हमें लिखना है यहाँ पे, इसमें A7 के अंदर, A7 के अंदर हम लिखेंगे नेम और उस नेम के नीचे अपने कुछ फ्रेंड्स के नेम लिख लेंगे और इसके इस बाजू हम कुछ सब्जेक्ट के नेम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो ये सभी कुछ फ्रेंड्स के नेम और सब्जेक्ट के नेम लिख लो आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के नाम 2-3-4 और यहाँ पे कुछ जितने भी आपको सब्जेक्ट्स लगे आप लोग 6 सब्जेक्ट रख लो। 6 सब्जेक्ट लिखने के बाद हर एक फ्रेंड के हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स दे दो। जैसे वासु, तो वासु का हिंदी में कितना आया, तो हमने लिख दिया 70। वासु का इंग्लिश में कितना आया, 78। मैथ में कितना आया, सोशल साइंस में कितना आया, संस्कृत में कितना आया, कंप्यूटर में कितना आया, तो आप अपने हिसाब से कोई भी मार्क्स उसको सेट करके दे दो। सेम ऐसे हम बाकी सबका भी मार्क्स फिल कर दे रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हमने नेम, सब्जेक्ट नेम, फ्रेंड्स के नेम दे करके यहाँ पे हमने उसका मार्क्स भी फिल कर दिया है। इसके बाद हम इन सबका टोटल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल। टोटल निकालने के लिए दो रूल है। पहले तो हम मैथमेटिक्स का रूल अपनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इक्वल टू लगाओ और हर एक सेल पे क्लिक करो। जैसे वासु का हिंदी में कितना आया, 70 वाले सेल पे क्लिक कर दो, फिर कीबोर्ड से प्लस लगा दो, फिर इंग्लिश पे क्लिक कर दो प्लस लगा दो, मैथ पे क्लिक कर दो प्लस, सोशल साइंस पे क्लिक करो प्लस, संस्कृत पे क्लिक करो प्लस, कंप्यूटर पे क्लिक करो प्लस। ठीक है, लास्ट में प्लस मत लगाना, हटा देना। इतना करने के बाद एंटर कर दो। तो टोटल कितना आया वासु का हर एक सब्जेक्ट में मिला करके, 4, 4, 5। इसके बाद आप लोग क्या करो, सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और अपने नीचे जो बॉक्स है, जब ये कर्सर ब्लैक ब्लैक हो जाती है तो दो बार इसके ऊपर क्लिक कर दो, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, पकड़ के खींच दो। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये सबका टोटल निकाल देगा, जितना भी होगा इसके नीचे, 4, 5, 10, 20 जितना होगा ना, सबका टोटल निकाल देगा। देखो इसका इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया। सेम टोटल के बाद हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, AVERAGE, एवरेज। एवरेज बोले या परसेंटेज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद इस टोटल को सेलेक्ट करो। टोटल सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड करो जितने सब्जेक्ट है। तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे लिखो 6। लिखने के बाद एंटर करो, तो इसका कितना परसेंटेज आया है, 74.16। अभी सेल के ऊपर क्लिक करो जिसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे दिखा रहा है क्या फॉर्मूला लगाया है हमने, H8 को डिवाइड कर दिया है 6 से। ठीक है, H8 को डिवाइड किया है, फॉर्मूला देख लेना क्या है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, दो बार क्लिक करो तो भी यहाँ पे आ जाएगा, 51% इनका आया है, 77 इनका, 71 इनका। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि यह बंदा फेल है कि पास है। ठीक है, हमें यह भी चेक करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्लास वन में क्या है, फेल है कि पास है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इक्वल्स टू इफ, इफ इफ मतलब अगर, फिर ब्रैकेट के अंदर एक हम कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, कि यह एवरेज शिफ्ट के साथ लेस देन लगाओ, अगर लेस देन होगा 35 से। ठीक है, या ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, लेस देन कोई भी लगाओ। तो लेस देन 35 देन कॉमा लगाओ, फिर डबल एंड कॉमा के अंदर लिखो फेल, FAIL फेल, डबल एंड कॉमा क्लोज करो, कॉमा लगाओ, फिर डबल एंड कॉमा के अंदर लिख दो पास। फॉर्मूला देख लो ध्यान से,
और ब्रैकेट क्लोज करो। तो यह जब कंडीशन ट्रू होगा तब फेल आएगा, नहीं तो पास आएगा। तो हम इतना करके एंटर करेंगे तो यह पास आएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पर सबके लिए अप्लाई कर देंगे तो सभी के सभी पास हैं। अगर फेल करना है तो हम क्या करेंगे, मान लो किसी को हमें फेल करना है, ठीक है, वासु को मान लो हम फेल करते हैं, तो इसका 1 कर दो मार्क्स, इसमें भी 1 कर दो इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखो टोटल भी कम होगा, एवरेज भी कम होगा और इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक हम इसका सोशल साइंस में मार्क्स कर दे रहे हैं 8 करके जैसे हम एंटर करेंगे या फिर दूसरा करेंगे तो दिखना इसका एवरेज 50 है ना, अभी 50 से भी कम हो जाएगा, 38 हो गया। फिर 7 कर दो, इधर आ जाओ तो 27, जैसे यहाँ पर एवरेज 35 से कम हुआ ऑटोमेटिक इसका क्लास 1 में क्या हो गया, फेल आ गया। और जैसे यहाँ पर हम इसका मार्क्स बढ़ाते हैं ऑटोमेटिक ध्यान से देखना फेल का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो फॉर्मूला वर्क कर रहा है, टोटल में भी चेंजिंग हो रही है, एवरेज भी चेंज हो रहा है, क्लास 1 भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला ध्यान से आप लोग देख लो, फॉर्मूला बार में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला ध्यान से देख लो क्या है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट में एवरेज सेलेक्ट करके लेस देन 35 अगर ट्रू हुआ तो फेल, नहीं तो पास। यहाँ पर हम कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, जो लेस देन है उसको हम ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर लेस देन हटाएंगे, लेस देन हटा करके अगर हम ग्रेटर देन लगाना चाहें तो बस फेल की जगह पर पास हमें लिखना पड़ेगा और पास की जगह पर फेल लिखना पड़ेगा, बस इतना हमें चेंजिंग करनी होगी अपने कंडीशन को ट्रू और मार्कशीट को सही करने के लिए, ठीक है। बस एंटर करो, राइट, 13 चल रहा है हमारा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्या करना है।